प्यारे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, बाबा वेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि हम लोग दवाई किस तरह से बकरों को पिलाते हैं। एक तो हम लोग मेडिसिन को पाउडर करने के बाद में सूखी पिलाते हैं और एक गीली पिलाते हैं। तो सूखी पिलाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 5 ml की सीरेंज है। तो आप ये भी मेरे पास फ़िलहाल तो 5 ml अवेलेबल है, तो आप 10 ml भी ले सकते हो। अभी इसको क्या करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये जो है ना, यहाँ पे ये जो पार्ट है क्रॉस, ये अपने को काटना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये मैंने काट दिया, ये हमारे अभी यूज में नहीं है। अभी ये जो पार्ट है साइड का, ऊपर का, इसको अपन थोड़ा सा ना, मतलब घस के थोड़ा सा इसको मतलब क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये चुभे ना मुंह में। ये सबसे इजी तरीका है भाई, यही हिसाब से आप दवा पिलाओगे और बकरे को पकड़ने का तरीका, मुंह में इसके दवाई डालने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से अपने को डालना है। ये देखिए, ये सीरेंज इस तरह की हो जाएगी। ऊपर का अपर एरिया आपने काट दिया हो तो ये सीरेंज इस तरह की हो जाएगी। अब मैं आपको मेन तरीका बताता हूँ। इसमें दवाइयाँ पहले से मैंने पीस के रख दिया हूँ। अभी मेरे को एक बकरे को पिलाना है, ये इजीली देखो मैं ले लेता हूँ उसके अंदर। अच्छा, आप कैपेसिटी की बात रही तो 10 ml की सीरेंज लोगे ज़्यादा बेहतर है। अभी ये तो मैंने क्वांटिटी दवाई के हिसाब से डाला हूँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है कि इतना ml होना चाहिए, उतना ml होना चाहिए। अब ये इतनी क्वांटिटी मेरे को बकरे को पिलाना है। ये मैं बकरा पकड़ लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसा पिलाना है। देखिए, ये अभी पकड़ा हूँ, अभी ये दवाई तो देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया, जो ऊपर का एरिया ओपन है। अब एकदम आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इसके मुंह के ऊपर मैंने थंब डाला हूँ। ये मैंने अल्बोमार वाला जो मेरा सेशन है डीवॉर्मिंग का, उसके अंदर भी बताया था बकरे को दवा वगैरह पिलाना है तो किस तरह से पकड़ना चाहिए। देखो, मेरा थंब बाहर निकल गया, ये मैंने बकरे के मुँह में डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद में मुंह को मैं इस तरह से थोड़ी देर पकड़ लूंगा। अभी आपने देखे होंगे इजीली, तो देखो बकरा एकदम आसानी से चले गया, दवाई भी इसके अंदर नहीं है। देखिए, उसने खा लिया बकरे ने दवा। ये एक तरीका है, एक्चुअली तरीका हम लोग को तब इस्तेमाल करना होता जब हमारे पास में पानी की शॉर्टेज या पानी की प्रॉब्लम होती है। अगर पानी अच्छा ना हो तो हम लोग वो पानी अगर दवा में मिक्स करके देंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा जो आसान तरीका है वो मैं और एक बता देता हूँ आपको। दूसरा, फिर ये वाली पहले जो सीरीज थी, ये वाली सीरीज पहले ऐसी थी, ये ऐसी थी, इसको मैंने कट करा तो ऐसी बन गई। अभी ये वाली सीरीज में तो सिंपल तरीका, अभी अगर इसके अंदर अगर अपने को दवा भरना है तो उसमें मैं क्या करूँगा, या ये खोल लूँगा, पूरा ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद में ये जो निप है, ये निप पे मैंने उंगली रखा, इसके अंदर मैं पाउडर डालूँगा। इसमें मैं पाउडर डाल दूँगा। पाउडर डालने के बाद में पाउडर मगर इतना इतना डालूँगा ताकि थोड़ा सा पानी आवे इसके अंदर। आने के बाद में मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इतना रखूँगा। रखने के बाद में इसको अच्छी तरह से मैं शेक कर लूँगा। शेक करने के बाद में फिर बकरे को मैं पिलाऊंगा। ये एक तरीका है। और एक्चुअली मैं तो कभी पानी से दवा नहीं पिलाता हूँ बकरों को, मैं उसी तरह से दवा पिलाता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। मगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, मगर वो तरीका बेहतर है। इसके अंदर पानी वगैरह का यूज़ नहीं होगा, बिना पानी के आप दवा जानवरों को दे सकते हो। और ऐसा है भाई कि बॉटल भी होती है, कांच की बॉटल, जो पेप्सी थम्सअप की बॉटल होती है कांच वाली, उसके अंदर भी आप डाल के पिला सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो। और कांच की ही लेना, थ्रेड वाली बोतल कभी मत लेना जिसका ढक्कन होता है। थ्रेड वाली बोतल से क्या होता है, उसका जो थ्रेड होता है वो थ्रेड अगर आप पिलाने जाओगे बकरों को तो कहीं ना कहीं उसके मुंह में लग जाएगा, और मुंह में लगने से उसको जख्म हो सकता है। तो आप कांच की बोतल लोगे, कांच की बोतल से साइड में पूरा चिकना होता है तो वो बहुत आसान है,
पिलाने के लिए, इससे बकरों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके अंदर भी आप दवाई डाल दो, पानी डाल दो, अच्छी तरह से शेक कर लो, शेक करने के बाद में उसको बकरे को पिला दो, तो आपको कोई टेंशन कोई मसला नहीं होगा, समझ रहे। तो इसी तरह भाई मेरे वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।